इस समय की बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पंजाब की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आई है जिसमें कहा गया है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से अमृतसर पहुँच रहे हैं। यह भी खबरें हैं कि अमृतसर इसीलिए वे आ रहे हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल किया जा सके। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर इस समय की यही आ रही है कि आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका यही कहना था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह आने वाले दिनों में राजनीति का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि इससे पहले कोटकपुरा गोली कांड की जांच रिपोर्ट रद्द होने के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसी के चलते अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह आने वाले दिनों में राजनीति का हिस्सा होंगे और अब आने वाला समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में वह राजनीति का हिस्सा बनते हैं या नहीं और अगर बनते भी हैं तो कहां से वह चुनाव लड़ते हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह है जिहड़े आम आदमी पार्टी च जा सकते हैं। यह सूत्रों तो हवाले तो बहुत वड्डी खबर आ रही है। साडे नाल इस टाइम ने सुखचैन सिंह जी। सुखचैन जी की इनफॉरमेशन है कि कुंवर विजय प्रताप ने जिहड़े वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के अरविंद केजरीवाल वालों भी यह ट्वीट करता है कल अमृतसर आप मिल रहे हैं तो काफ़ी दिनों तो जो कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों जो सबका आई जी है उन्होंने वालों हल्का नॉर्थ में अपन सरगर्मियां बता दी गई सन काफ़ी लोगों को मिल जुलो उन्होंने वालों बताया गया कि लोगों को मिल रहे सन या लोगों समागम में शामिल हो रहे सन तो यह उम्मीद प्रकट की जा रही थी कि हाँ कुंवर विजय प्रताप सिंह इतों इलैक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन यह नहीं सी फाइनल कि किस पार्टी वाले जाएंगे। हूँ जिस तरह के हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अमृतसर आ रहे हैं तो उस लगता है कि हम कुंवर विजय प्रताप कल आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी होर लीडर को शामिल होता है छोटा मोटा तो कभी नहीं आते जो वड्डा लीडर आ रहा है तो इस करके अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो यह क्यास रही लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की जो सीनियर नेता सबका सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला भी उस आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस पर किसी ने हालांकि अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी लेकिन जिस तरह की उन्होंने वालों पिछले समय में किसान अंदोलन के बारे बोलिया गया अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ ही इस टाइम प्रधानमंत्री ही खिलाफ ही उन्होंने वालों बोलिया गया कि उसके गल इस पिछले एक तस्वीर भी वायरल हुई थी उन्होंने तो यह क्या सारियां लगाई जा रही हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला भी कल आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी आम आदमी पार्टी नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह का की फायदा मिलेगा जिवें SIT तो उन्होंने हटा दिता गया बेअदबी मामले च उन्होंने बड़े कहिंदे ईमानदारी नाल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की सी किथे ना किथे आम आदमी पार्टी इसे करके तो नहीं कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं लियाना चाहती। जी देखिया जाए तो माझे दे विच आम आदमी पार्टी का कोई आधार इतना खास हैगा नहीं है क्योंकि ना ही उन्होंने कोई MLA विधायक है पिछले 2017 दी विधानसभा चोणां होईआं सन। ठीक है चाहे मालवे विच उन्होंने चंगी उन्होंने कुछ उन्होंने लोगों वालों हंगारा दिता गया कि काफ़ी सीटें जीती सन लेकिन माझे विच कोई आधार नहीं है इस करके कुंवर विजय प्रताप सिंह जो कि खास छवि के एक पुलिस अफसर वजो जाने जाते हैं तो उन्होंने वालों जिस तरह जो बेदी विच निरपक्ष जांच भी की गई चाहे वह कोर्ट वालों उस जांच को रद्द करके तो दोबारा जांच करने आदेश दिए गए सन लेकिन कुंवर विजय प्रताप की जो छवि है साफ तो ईमानदार अफसर के तौर पर छवि है इस करके आम आदमी पार्टी एक्चुअली इतने अमृतसर के होर मजबूत होएगी क्योंकि पहला कोई वड्डी कदर नेता से अमृतसर नहीं थी जी तो इस करके हम जो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आना तो जेकर प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला भी आते हैं क्योंकि वो भी लोग हितों के मामले उठाते रहते हैं बड़ी ही विवाकी चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ ही कहना बोलते प्रोफेसर चावला जेकर यह दो नेता आते हैं तो आम आदमी पार्टी माझे में बहुत वधिया रिस्पोंस मिलेगा और आधार भी उन्होंने मजबूत होएगा। जी लक्ष्मीकांत चावला जो एक पहले भी अरविंद केजरीवाल को अमृतसर ही मिले थे मगर उस टाइम जिथे दसा जाता कि लक्ष्मीकांत चावला कह रहे थे कि मैं सैर कर आई थी मैं सिर्फ एक जर्नली मिली हाँ उन्होंने मगर हूँ जो रिपोर्टा थोड़े वालों जीडिया दसिया जा रही ने कि आम आदमी पार्टी वो भी शामिल हो तो कि इन्हों टिकटा टुकटा भी इतों दी जा अमृतसर से। जी बिल्कुल जिस तरह जेकर जिस तरह सरगर्मियां बताई गई हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों हल्के नॉर्थ में जी तो उस जो मामला प्रकट की जा सकती है कि वह नॉर्थ हल्के तो जो विधानसभा चोन है 2022 उस लड़ सकते हैं
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ 2022 ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਵਹਿ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸੂਤਰੋਂ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ IG कुंवर विजय प्रताप सिंह आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन गुरवीर विर्क के साथ मैं धर्मेंद्र संधू, जुड़े रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।